कन्या राशि के जातकों का फरवरी का महीना कैसा रहेगा, ग्रहों की जो स्थिति है आपके लिए कैसी बनी हुई है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यानी रेगुलर इनकम की स्थिति फरवरी के माह में आपके लिए कैसी बनी हुई है, ग्रह कब कैसे कहां पर परिवर्तन करेंगे और क्या उसका परिणाम होगा, इन तमाम बातों की चर्चा मिश्र राशि फल के अंतर्गत करने वाले। प्रिय दर्शकों, राशि फल का यह कार्यक्रम आपकी जन्म राशि पर आधारित है, इस राशि फल को आप लग्न कुंडली से न देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं कन्या राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण फरवरी के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए बन रही है। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध देव। बुध और सूर्यदेव मकर राशि के अंतर्गत पंचम भाव में विराजमान है। शुक्र और मंगल धनु राशि के अंतर्गत फोर्थ हाउस यानी चौथे भाव में स्थित है। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो आपके लिए आठवें भाव में स्थित है, मेष राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि में छठे भाव में स्थित हैं और राहु मीन राशि के अंतर्गत सातवें भाव में और केतु आपके लग्न में ही स्थित है यानी कन्या राशि में ही संचरण कर रहे हैं। चंद्रदेव की बात करें तो चंद्रमा मासारंभ में तुला राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में स्थित रहने वाला है और उसके उपरांत चंद्रमा चूंकि बहुत गतिशील ग्रह हैं तो ये राशि परिवर्तन करते रहते हैं, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच चार ग्रह ऐसे हैं जो परिवर्तन करेंगे यानी चंद्रमा के अलावा चार ग्रह और परिवर्तन करेंगे और कुछ परिवर्तन आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाले हैं, कुछ परिवर्तन आपको नुकसान दे सकते हैं जहां पर आपको सतर्क सावधान रहना है। तो कौन कौन से वो परिवर्तन है उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन होगा 5 फरवरी 2024 को होगा, मंगलदेव का परिवर्तन होगा। मंगलदेव धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब मकर राशि मंगलदेव की उच्च राशि है, पांचवें भाव में मंगलदेव उच्च राशि में आकर के स्थित होंगे तो निश्चित ही आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने का कार्य करेंगे। 13 तारीख को सूर्यदेव का परिवर्तन होगा, सूर्यदेव मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और छठे भाव में आकर के विराजमान होंगे। 12 फरवरी 2024 को शुक्रदेव भी परिवर्तन करेंगे और शुक्रदेव भी धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करेंगे और पांचवें भाव में आपके लिए स्थित होंगे, यहां आपको थोड़ा सतर्क सावधान अवश्य रहना होगा। वहीं 20 तारीख को बुध का भी परिवर्तन होगा, जब बुधदेव मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में स्थित होंगे और छठे भाव में आकर के विराजमान हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इन चार ग्रहों के अलावा चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बार बार परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका के शुभ भाव में स्थित होते हैं जहां पर चंद्रमा कारक होते हैं तो निश्चित ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने का कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा यदि क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, जन्म पत्रिका के क्रूर भाव 3, 6, 8, 12 इत्यादि भावों में स्थित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थितियां देने का कार्य भी करते हैं यानी नेगेटिव रिजल्ट देने का कार्य भी करते हैं और फलस्वरूप एक माह के भीतर 6 से 8 दिन तो आपको हर जगह सफलता मिलती है, चाहे आपका करियर हो, आपका आर्थिक स्थिति का क्षेत्र हो, आपका पारिवारिक क्षेत्र हो, हर जगह आपको अच्छा लाभ देखने को मिलता है। लेकिन 6 से 8 दिन ऐसे भी अवश्य देखने को मिलते हैं जब आपको मानसिक अशांति होती है, अज्ञात भय होता है, आपका पारिवारिक क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं आपको नफा नुकसान देखने को मिलता है। तो कौन कौन सी ऐसी तारीखें कन्या राशि के जातकों की इस फरवरी के माह में बन रही हैं, इन पर हम चर्चा करें। उससे पहले बताते हैं आपको शुभ तारीखें। कन्या राशि के जातकों को फरवरी के माह में 1, 2, 6, 7, 16, 17, 19, 20, 22, 23 और 28 फरवरी शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में कहीं ना कहीं अच्छा लाभ आपको होगा। वहीं 4, 5, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26 और 27 फरवरी आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये तो रही आपकी संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य की यानी आपकी हेल्थ की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के जातक हो तो सतर्क सावधान अवश्य रहिएगा। आठवें भाव में देवगुरु बृहस्पति स्थित है, हालांकि यहां पर बृहस्पति मित्रवत राशि में है लेकिन आठवें भाव में भी स्थित है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, नकारात्मक ऊर्जा देवगुरु बृहस्पति की देखने को मिल सकती है और फलस्वरूप पेट से संबंधित विकार आपको देखने को मिल सकते हैं, त्वचा से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकते हैं। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, श्वास से संबंधित समस्याएं आपको पहले से ही रहते हैं तो इस समय आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और इसके साथ साथ यदि आप नशा करते हैं
तो नशा इत्यादि करने से आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। देव गुरु बृहस्पति सात्विक ग्रह हैं, यदि आप नशा इत्यादि करते हैं तो स्थितियां और खराब होंगी, यहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से संपूर्ण फरवरी के माह में कन्या राशि के जातकों को सतर्क सावधान रहना होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति की आराधना करनी है। हर वीरवार को केले का पूजन करना न भूलेगा। पीली चने की दाल, हल्दी मिश्रित जल केले के पेड़ पर चढ़ाइएगा और पीला भोजन, पीले वस्त्रों का दान आप यथासंभव जितनी भी आपकी शक्ति है सामर्थ्य अनुसार पीले भोजन व पीले वस्त्रों का दान करना भी आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। इसके साथ साथ प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर दीजिएगा और हर बुधवार को भगवान गणपति की आराधना करना भी आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। यदि संभव हो तो मोदक का भोग लगाएं भगवान गणपति को, यदि संभव ना हो तो जो भी आपके पास पर्याप्त सामग्री हो भगवान गणपति को अर्पण करिएगा। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा, निश्चित ही आपको स्वास्थ्य में लाभ देखने को मिलने वाला है। बात अब करें आपके करियर की, कार्य क्षेत्र की, करियर कैसा रहेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में दसवां भाव हमारे कार्य क्षेत्र को दर्शाता है और कन्या राशि के जातकों के लिए करियर के जो लॉर्ड बनते हैं वो हैं आपके राशि स्वामी बुधदेव। बुधदेव की स्थिति पंचम भाव और छठे भाव में स्थित होगी, दसवें भाव में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। शुक्र और मंगल की सातवीं दृष्टि कार्य क्षेत्र पर बनी हुई है, मंगलदेव उच्च राशि में भी स्थित रहेंगे तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत बदलाव लेकर के आ रहा है। बहुत सारे परिवर्तन आपको फरवरी के माह में देखने को मिल सकते हैं, विशेषकर यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप अकाउंट से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन जो जातक व्यवसाय के क्षेत्र में है, व्यापार के क्षेत्र में और कन्या राशि के जातक हैं तो थोड़ा सतर्क सावधान अवश्य रहिएगा। राहु सेवंथ हाउस में स्थित है, यह व्यापार का क्षेत्र है, राहु यहां से व्यापार का क्षेत्र प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे निर्णय जो नहीं लेने हैं वो निर्णय आप ले सकते हैं, कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्ट कर सकते हैं, गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं और पारिवारिक माहौल से भी बहुत उत्तम स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए नहीं बनी है। तो व्यापार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्थितियां बिगड़ सकती हैं, यहां पर आपको सतर्क सावधान रहना होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो प्रिय दर्शकों, आर्थिक स्थिति यानी रेगुलर इनकम के जो लॉर्ड बनते हैं आपके लिए चंद्रमा बनते हैं और लाभ भाव में भी कोई ग्रह स्थित नहीं रहेंगे। हालांकि बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि इन पर अवश्य रहेगी, सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव सबकी दृष्टि यहाँ पर रहेगी तो मिश्रित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कभी अच्छा लाभ होगा लेकिन कभी अचानक से हानि होने के संकेत हैं। ऐसे जातक जो शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं धनार्जन के लिए, आप शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि की तरफ बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट तरीकों से दूर रहिएगा और गलत इन्वेस्ट करने से आपने बचना है। तो आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में मिश्रित प्रभाव फरवरी के माह में आपके लिए रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस फरवरी के माह में विद्यार्थी वर्ग, स्टूडेंट्स के लिए अच्छी स्थितियां हैं। मंगल उच्च के होंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर में फोकस कर पाएंगे। विशेषकर वो जातक जो स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहते हैं या स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको कोई बड़ी उपलब्धि हाथ लग सकती है। प्रेम इत्यादि के मामलों में सफलताएं आपको प्राप्त हो सकती हैं और इसके साथ साथ कन्या राशि के यदि आप जातक हो, विशेषकर स्त्री वर्ग, गर्भ से संबंधित खुशखबरी आपको फरवरी के माह में मिल सकती है। फरवरी का महीना आपके लिए शुभ हो, लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।